एवरीवन वेलकम बैक मैं मिताली और आप सबका कर स्वागत करती हूँ आज के मेरे सेशन में तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सेकेंड नंबर ऑफ क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन आप यहाँ देखिए लेट पी बी अ प्राइम नंबर सबसे पहले आपको दिया हुआ है कि हमारे पास एक प्राइम नंबर है ना वट एल्स वी नीड टू फाइंड इस

हमें इक्वेशन के बारे में कोई अंदाज़ा नहीं है वी डोंट नो अल्फ़ा वी डोंट नो बीटा यानी कि हमें कोई रूट्स नहीं पता लेकिन हमें एक बात बहुत अच्छे से पता है कि p एक प्राइम नंबर है ठीक है और इसके जो फैक्टर्स हैं वही हमारी इक्वेशन के रूट्स बनने वाले हैं ठीक है ठीके? कोई दिक्कत नहीं है सो प्राइम नंबर है प्राइम नंबर से फ़ायदा ये मिलता है कि प्राइम नंबर के दो फैक्टर्स हमेशा होते हैं वन इज़ योर वन एंड द अदर वन इज योर पी ठीक तो है तो यही जो फैक्टर्स हैं यही मेरे रूट्स बनेंगे बनेंगे कि नहीं बनेंगे ना अब ये देखो कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे लिखते हैं सबसे पहले अगर मुझे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है सो व्हाट वी नीड इज़ वी हैव टू राइट यहां पर क्या होता है जो भी आपकी रूट्स हैं सम ऑफ रूट्स यहां आता है और यहाँ पर क्या आता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर मेरी रूट्स अल्फा बीटा है तो हम ऐसे लिखते थे ना प्रोडक्ट ऑफ अल्फ़ा बीटा कुछ भी करके लिख सकते हो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू जीरो ये मेरी जनरल इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की है ना अब आप यहाँ पर ये यह देखो कि अगर मेरे पास फैक्टर्स जो हैं यही हमारे रूट्स हैं तो यहाँ पर क्या बनेगा एक्स स्क्वेयर माइनस सम क्या होगा पी प्लस वन इन एक्स और प्रोडक्ट क्या होगा पी इन टू वन एज पी तो वो हमारी क्वेश्चन बन सकती है क्या आपको जो चार ऑप्शन गिवन है कोई ऐसा आपको दिख रहा है अगर दिख रहा है तो उसको मार्क कर देते हैं पहले मैं आपको इसे लिख के दिखा देती हूँ एक्स स्क्वेर माइनस सम करें तो पी प्लस वन या वन प्लस पी कुछ भी लिख लो प्लस वन इन टू पी कितना होगा पी इज इक्वल्स टू जीरो ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक बात में और आपको यहाँ पर छोटी सी हिंट देकर जा रही हूं या फिर समझ लो कि पूरे क्वेश्चन का जो क्रक्स है वो मैं आपको बता के जा रही हूं आपका एक सवाल उठ सकता है कि यहाँ पर नेगेटिव साइन क्यों है उसका आंसर मैं आपको ये दूंगी कि अपनी एनसीईआरटी को खोल कर इक्वेशन का फर्स्ट पेज ध्यान से पढ़ो और एक बात को गांठ बांध लो कि जब भी आपका सम पॉजिटिव इंटीजर आना होता है अगर मैं कहूँ कि हमें सम पॉजिटिव एंड टीचर चाहिए और अगर मैं आपको कहूँ कि प्रोडक्ट भी एक पॉजिटिव नंबर है तो क्वालिटी इक्वेशन हमेशा इस तरीके से बनती है यानी कि जहाँ पर सेकेंड इसके एक्स के कोफिशेंट में माइनस होता है ठीक है तो बस ये बात बात ये बात को गांठ बांध लो एंड यू हैव दी आंसर क्लियर है तो बस हमारा आंसर हो गया ये जो भी ऑप्शन आपके गिवन uh, इक्वेशंस में है उसे मार्क करो एंड वी आर डन ठीक है चलिए सो मैं इसी तरीके से मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस के साथ तब तक के लिए कीप स्माइलिंग बाय